आज आपको मालूम है कि मुहर्रम जो मुहर्रमुल हराम का जो सिलसिला है उसकी आज छठा मुहर्रम है और इसका ये जुलूस जो है ये जानीपुर से निकलता है और रास्तों से होता हुआ शाम को रात को तकरीबन 12-1 बजे के करीब पीर मीठा में ख़त्म होगा। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सिर्फ मुसलमानों को नाम के साथ उनको जोड़ा जाता है मगर वो है नहीं, उन्होंने जो कुर्बानी दी है वो इंसानियत को ऊँचा करने के लिए दी है, ना कि किसी कौम को ना कि किसी मज़हब को। इसीलिए हिंदुस्तान में जो सबसे पहले ताज़ियादारी की थी वो एक हिंदू ने उस ताज़ियादारी शुरू की थी और महारानी झांसी के आज भी वहाँ उन्होंने जो इमामबाड़ा बनाया हुआ है, महारानी झांसी का इमामबाड़ा बड़ा मशहूर है, वहाँ पे आज भी मजालिस होती हैं। किसी शायर ने बहुत खूब कहा है कि भारत में अगर आ जाता हृदय में उतारा जाता, हम शीश भी अर्पण करते, विधवा न दुल्हनियाँ होती, प्यासों का स्वागत करने यमुना का किनारा जाता। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक इंस्टीट्यूशन है, वो एक इस्लामी स्कॉलर उनको कहना या इस्लामी रहनुमा कहना मेरे ख्याल में ये गलत होगा। वो उन्होंने इंसान को इंसानियत का दर्स दिया है कि इंसानियत को किस तरह से बुलंद किया जाएगा, जैसे कि यहाँ राज जी ने दलूजा साहब ने यहाँ ये बैनर लगाया है, बिल्कुल सही अकासी करता है कि ही हैज़ पेड लेड डाउन हिज लाइफ टू मेंटेन एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ द सेक्रीफाइस फॉर द ह्यूमन अपलिफ्टमेंट ऑफ द ह्यूमन नेचर्स। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वाकई एक अजीम शख्सियत थी जिन्होंने लाखों के मुकाबले में अपने 72 साथियों को लेकर सिर्फ इंसानियत के लिए अपनी जान को कुर्बानी को पेश किया। हम स्टेट टाइम का उनके सारे स्टाफ का और ख़ासकर उनके जो रहबर हैं मिस्टर राज दलूजा जी उनका बहुत बहुत मशहूर हैं, शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी गमगुसारी की और ये सबील लगा के हज़रत इमाम हुसैन के तहीं अपना नजराना अकीदत पेश किया। शुक्रिया जी। आज के स्टेट टाइम जो भी एक न्यूज़पेपर है ये सेकुलर पेपर है और सेकुलर की इज़्म की मिसाल देते हुए हमने इनका
खैर मकदम किया और हम इनका ही नहीं, सरदारों का हो, क्रिश्चियंस का हो, कोई भी प्रोसेशन होगा हम सबके साथ हैं और एक सेकुलर फैब्रिक जो है वो जम्मू में हम पसंद करते हैं और होना चाहिए।